नगर पंचायत पागबड़ा में संचारी रोगों की रोकथाम को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जनमानस से सहयोग की अपील भी की जा रही है। नगर पंचायत कार्यालय पर मौजूद रहे अधिशासी अधिकारी संजय कुमार तिवारी ने बताया कि नगर पंचायत पागबड़ा में सफाई पर बल दिया जा रहा है, फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है और जनमानस से सहयोग की अपील की जा रही है। पागबड़ा के बड़े नालों को जेसीबी द्वारा साफ कराया जा रहा है और कूड़े को ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने अपील की कि जो टीम सफाई के लिए जा रही है उनका सहयोग करें, नालियों में कूड़ा बिल्कुल न डालें। कूड़े से नालियां चोक होती हैं, जिसके चलते नालियों की गंदगी सड़क पर आ जाती है, इसलिए सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपने आसपास गंदा पानी न जमा होने दें। सिटी चैनल से बात करते हुए अधिशासी अधिकारी संजय कुमार तिवारी द्वारा कहा गया, जैसे कि आपको विदित है कि शासन के द्वारा 2 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है, जिसके तहत नगर पंचायत के जो दायित्व दिए गए हैं उनके दायित्वों का निर्वहन नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा है। जैसे इसमें है कि साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई कराया जाना, जहाँ पे आपकी झाड़ियाँ हैं झाड़ियों को काटा जाना, उसके बाद आपको फॉगिंग कराना, एंटी लार्वा का छिड़काव कराना, इसके साथ साथ जन जागरूकता और लोगों में जनमानस में इसके संबंध में एक जानकारी देना कि संचारी रोग क्या है और संचारी रोग क्या क्या, इससे अगर हम इसको ध्यान नहीं देते तो क्या क्या हमारी दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानी होती है, इस सब के संबंध में भी जनता को जागरूक किया जा रहा है। अपील क्या रहेगी आमजन से आपकी? मेरी यही अपील है कि चूंकि संचारी रोग कार्यक्रम चल रहा है और जो आपके मच्छर जनित रोग होते हैं, वेक्टर जनित जो रोग होते हैं उनसे बचाव करें, जो आपके कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, इसके साथ साथ अपने घर के आसपास सफाई रखें, और क्योंकि जो डेंगू के मच्छर होते हैं, क्योंकि उस सीजन ऐसा है, सीजन जो है परिवर्तित हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो जिसमें आपको बुखार खांसी जुकाम की समस्या आती है और डेंगू इसी में समय जो है उसका प्रकोप बढ़ता है, और इसीलिए हम सिंचाई रोक करते हैं कि जिससे बारिश का समय होने वाला है तो उसके पहले हम अपनी तैयारी रखें, हम मुस्तैदी रखें, जिससे जो डेंगू मलेरिया इन सब बीमारियों से हम अपनी निजात हमें निजात मिले। और जो आपका फ्रिज वगैरह होता है उसके नीचे पानी इकट्ठा जो होता है, हम उसे इकट्ठा ना, हम उसकी निरंतर साफ सफाई करते रहें, कहीं हमारा टायर पड़ा हुआ है उसमें पानी भरे हैं तो हम उसको देखते रहें, घर के आसपास जो है हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे कि हमारा संचारी रोग जो है सफल रहे और रोगों से भी हमारी रोकथाम होती रहे।